وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ये आयत करीमा सूरह आराफ की आयत नंबर 80 से आयत नंबर 84 तक मैंने आपके सामने तिलावत की है। इसमें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके कौम का वाकया इख्तिसार के साथ बयान फरमाया गया है। आयत का तर्जमा ये है, और हमने लूत को भेजा जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम उस बेहयाई का इर्तिकाब करते हो जो तुमसे पहले दुनिया जहान के किसी शख्स ने नहीं की। तुम जिनसी हवस पूरी करने के लिए औरतों के बजाय मर्दों के पास जाते हो, बल्कि तुम ऐसे लोग हो कि तमाम हदें फलांग चुके हो। उनके कौम का जवाब यह कहने के सिवा कुछ और नहीं था कि निकालो इनको अपनी बस्ती से, ये लोग हैं जो बड़े पाकबाज बनते हैं। फिर हुआ यह कि हमने उनको यानी लूत अलैहिस्सलाम को और उनके घर वालों को बचा लिया, अलबत्ता उनकी बीवी थी जो बाकी लोगों में शामिल रही जो अज़ाब का निशाना बने, और हमने उन पर एक बारिश बरसाई। अब देखो इन मुजरिमों का अंजाम कैसा हुआ। यहाँ कुरान करीम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाकया इख्तिसार के साथ बयान फरमाया है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा तफसील सूरह हूद में आएगी, और ख़ुलासा उसका यह है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक़ में अपनी कौम को तौहीद की दावत दी तो जो लोग उनके ऊपर ईमान लाए थे उनमें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम शामिल थे, और एक उनकी अहलिया हज़रत सारा थी जो उन पर ईमान लाई थी। तो जब इराक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का वाक़या पेश आया तो उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से वहाँ से हिजरत फरमा गए। उस हिजरत में हज़रत सारा भी आपके साथ थी और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी साथ। और बाद रिवायत तो मालूम होता है कि पहले ये दोनों हजरात मिस्र तशरीफ ले गए, और दोनों वहाँ पर मुकीम रहे। बाद रिवायतों में मुख्तलिफ तफसीलात आई हैं, तौरात में कुछ इस तरह की बात मजकूर है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भी जानवर थे और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के भी जानवर थे, दोनों के दरमियान कुछ उसके ऊपर इसमें कुछ तनाज़ा हो जाता था कि कौन सा गुरोह जानवरों का पहले चरे और कौन सा बाद में चरे। तो आखिर में फ़ैसला ये हुआ कि अब दोनों अलग अलग चले जाए। ये बात इस वक्त बाइबल में मज़कूर है, लेकिन ये बात अंबियाए कराम से बईद है कि वो इस किस्म के छोटे छोटे मामलात पर आपस में दस्तों गरीबा हों।
یا ان کی وجہ سے ان میں تفرقہ پیدا ہو، لہذا یہ بات عقل باور نہیں کرتی، بلکہ در حقیقت صورتحال یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو مختلف قسم کی اقوام کو ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجنے تھے، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے شام کا علاقہ استعمال فرمایا اور حضرت لوط علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا دریا اردن کے پار، اس جگہ جہاں آج ایک بحر میت واقع ہے، اور وہاں اس وقت بہت سی بستیاں تھیں مختلف ناموں سے، اور ان کا مرکز صدوم تھا، تو وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ صدوم میں جو قوم آباد تھی، صدوم میں اور اس کے آس پاس کی بستیوں میں، وہ بڑی خوشحال قوم تھی اور بڑے سرسبز و شاداب علاقے میں رہتی تھی، ہر طرح کی خوشحالی اور عیش و عشرت ان کو میسر تھی، اور یہ کچھ عیش و عشرت کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ جب آدمی عیش و عشرت میں گم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھولنے لگتا ہے، چنانچہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے انحراف کیا، بلکہ ایسی بدکاریوں میں مبتلا ہوئے جو ان سے پہلے دنیا میں کہیں جن کا وجود نہیں تھا، مثلا یہ کہ یہ عورتوں کے بجائے یہ مردوں سے اپنی شہوت رانی کرتے تھے، اور جیسا کہ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے، یہ ان کے ہاں سب سے پہلے یہ بے حیائی اور یہ انسانیت سوزی اسی قوم نے شروع کی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں دوسری آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چوری ڈاکے کے بھی بہت خوگر تھے، اور خاص طور پر مسافروں کے ساتھ ان کا بڑا سخت معاملہ ہوتا تھا، وہ اس طرح کہ کوئی مسافر آیا اور اس نے ساتھ سامان رکھا، اور یہ ان میں سے کوئی ایک آدمی کوئی ایک چیز لے گیا، کوئی دوسری چیز لے گیا، یہاں تک کہ اس کا سارا مساسہ جو چوری کر کے لے گئے، وہ بیچارہ جب آ کر دیکھتا کہ سامان غائب ہے تو ان میں سے کوئی ایک آدمی اپنی ایک چھوٹی سی چیز لے کر آتا اور کہتا کہ یہ میں لے گیا تھا یا میں واپس کر رہا ہوں آپ کو۔ وہ اتنی چھوٹی سی چیز ہوتی تھی کہ مسافر بیچارہ کہتا کہ سب سارا میرا سامان لٹ گیا، تو میں اس کو لے کے کیا کروں گا، لے جاؤ تم ہی لے جاؤ۔ تو اسی طرح باری باری یہ لوگ آ کر اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ واللہ عالم یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن عبدالوہاب نجار نے قصص القرآن میں یہ لکھا ہے کہ میں نے ایک عبرانی کتاب میں ان کا یہ واقعہ دیکھا ہے۔ قرآن کریم نے اتنا ضرور کہا ہے کہ تقطعون السبیل، تم رہزنی کرتے ہو لوگوں کو، پر ڈاکے ڈال، تو یعنی ان کے جرائم اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے کہ ایک طرف تو توحید کے منکر، دوسری طرف یہ حوث رانی میں مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے تھے، اور تیسرے ڈاکے بہت ڈالتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی پیغمبرانہ مصلحت اور حکمت کے تحت ان کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ باز نہ آئے، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی، اور حضرت لوط علیہ السلام آخر وقت تک ان کو سمجھاتے رہے، لیکن آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عذاب جس سے وہ ڈراتے تھے وہ آ گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اس بستی سے روانہ ہو جائیں، اور آپ کے ساتھ جو مومن ہیں وہ بھی، اور سب چلیں، لیکن آپ کی بیوی نہیں ساتھ چلے گی، اور بالآخر جب آپ یہاں سے نکل جائیں گے تو صبح سویرے ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی
जमात को लेकर रवाना हो गए, आगे रवाना हुए और पीछे, और ये भी कहा गया था कि मुड़कर मत देखना। चुनाचे जब ये हजरात रवाना हुए तो सुबह के वक्त फिर इन पर अजाब आया, और अजाब भी कई तरह कि एक तरफ इनके ऊपर पत्थरों की बारिश बरसाई गई, दूसरी तरफ एक चीख और चिंघार मुसल्लत की गई हौलनाक किस्म की, और तीसरे इनकी बस्तियों को उलट दिया। कुरान करीम ने उसको ताबीर किया है फजालना आलिया साफिला के, उलट दिया गया। इसी वजह से इन बस्तियों को कुरान करीम ने मुतफिकात का नाम दिया है, यानी वो बस्तियां जो उलट दी गई। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अजाब से हर मुसलमान को महफूज फरमाए। अब इन आयात को देखिए, इसमें सबसे पहले फरमाया कि बलूतन, हमने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भी भेजा। इज़ क़ाल लिक़ौमिही, जबकि उन्होंने अपनी कौम से कहा, अतअतून अल्फाहिशता, क्या तुम ऐसी बदकारी करते हो। फाहिशा के माना बेहयाई के भी हैं, बदकारी के भी हैं। मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन, ऐसी बदकारी और ऐसी बेहयाई कि तुमसे पहले दुनिया जहान के लोगों में से किसी ने ऐसी बदकारी नहीं की थी। इसमें ये कुरान ने बता दिया कि ये खिलाफ फितरत खबासत ये ईजाद ही की थी लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने, उनसे पहले किसी को ये ख्याल भी नहीं आया था कि ऐसा किया जाए। इसलिए फरमाया कि मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन, और हज़रत हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर करते हुए खलीफा उमवी अब्दुल मलिक का यह कौल नकल किया है कि अगर कुरान करीम में लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या मज़कूर ना होता तो मैं कभी गुमान भी नहीं कर सकता था कि कोई इंसान ऐसा काम कर सकता है। तो इससे मालूम हुआ कि ये फितरत इंसानी के बिल्कुल ख़िलाफ़ था, और इसीलिए गालिबन यहाँ पर अल्फाहिशा ये मुअर्रफ बिल्लाम यानी अलिफ्लाम के साथ फाहिशा का ज़िक्र किया गया है। ज़िना के बारे में फरमाए इन्नहु काना फाहिशतम वसा सबीला, फाहिशतन वहाँ नकिरा इस्तेमाल हुआ है, एक ऐसी बीमारी है, ऐसी बदकारी है और बहुत बुरा काम है, लेकिन यहाँ फाहिशा को अल्फाहिशा कहा गया है। और सियाक इबारत में अगर देखा जाए तो अगर नकिरा आता तो अरबी ज़बान के लोग समझ सकते हैं कि अतातून फाहिशतम मा सबक़कुम बिहा भी कहा जा सकता था, क्योंकि मा सबक़कुम बिहा जो है वो फाहिशतन की सिफत हो जाती। लेकिन अतातून अल्फाहिशता अलिफ लाम लाकर ये बताया गया कि ये एक ऐसी फाहिशा है यानी ऐसी बीमारी है और ऐसी बदकारी है कि जो तमाम बदकारियों पर फौकियत रखे। तो ऐसा तुम बदकारी करते कब करते हो जो दुनिया जहान के किसी शख्स ने पहले नहीं की। इससे ये बात भी की तरफ भी इशारा मौजूद है कि बाद वक़ात कोई आदमी किसी बदकारी में या किसी बेहयाई में या किसी गुनाह में इसलिए मुब्तला हो जाता है कि उसका रवाज आम होता है, एक रवाज चला आ रहा है और आदमी उसी रवाज से मغلوب होकर कोई गुनाह कर गुजरता है, तो है तो वो भी गुनाह और नाजायज काम, लेकिन फिल जुमला उसका ये बहाना हो सकता है कि भाई क्या करें, सारी दुनिया कर रही है तो हम भी करते हैं। लेकिन जिस काम को पहले कभी कोई करता ही ना हो और कभी उसकी कोई नज़ीर ही इंसानियत में मौजूद ना हो, ऐसे काम की बुनियाद डालना ये उस बहाने को भी ख़त्म कर देती है। और इसी वजह से ये चूँकि इन्होंने इब्तिदा ही इस काम की थी, इसलिए आगे जो लोग काम करेंगे इस किस्म का या जिन्होंने किया अलयाज़ बिल्ला
तो वो उन सब का गुनाह ऐसे इनके ऊपर जाएगा कि इन्होंने इसकी बुनियाद डाली थी। और इसी वजह से फुकाहे किराम ने इस जुर्म की सज़ा में कहा है कि बड़ी सख्त सज़ाएँ तजवीज़ की हैं कि ऊपर से इनको कहीं नीचे फेंक दिया जाए, ऐसे आदमियों को पत्थरों से इनको मारा जाए। कुरान करीम में तो इतना कहा है कि फ़ाज़ू हुमा, कि अगर मर्द मर्द के साथ कोई बदकारी करे तो उसको तकलीफ पहुंचाओ। और जगह ज़िना के बारे में तो कह दिया 100 कौड़े लगाओ, या अहादीस से मालूम होता है कि रजम करो, लेकिन इस बदकारी के लिए सिर्फ इतना कहा है कि इनको तकलीफ़ पहुंचाओ। और तकलीफ़ पहुंचाने का जो अंदाज़ है वो लोगों पर छोड़ दिया है। तो इस वजह से फुकाहे किराम ने यह कहा है कि बदतरीन तकलीफ़ इनको पहुंचानी चाहिए, जिसमें यह भी दाखिल है कि बाद लोगों ने कहा पहाड़ के ऊपर से इनको ऐसे आदमियों को फेंक दिया जाए, और बाद ने कहा कि पत्थर बरसाए जाए, वगैरह वगैरह। अब उस फाहिशा की तफसील कुरान ये फरमाता है कि इन्नकुम लतातून अर्रिजाल शहवतन मिन दूनिन निसा, कि तुम शहवतन यानी जिनसी हवस पूरी करने के लिए मर्दों के पास जाते हो, मिन दूनिन निसा औरतों के बजाय, बल अंतुम कौमुम मुस्रिकून, बल्कि तुम ऐसी कौम हो जो हद से गुजर चुकी। अब ये हद से गुजरना, एक तो खुद ये बदकारी भी हद से गुजरना में दाखिल है, और जो ये लूटमार किया करते थे उसकी तरफ भी इसमें इशारा हो सकता है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया। तो जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको ये फरमाइश की तो फरमाया कुरान करीम में कि वह माकान जवाब कौम ही, उनके कौम के पास कोई और जवाब नहीं था इल्ला अन क़ालू, सिवाय इसके कि उन्होंने ये कहा कि अख़रिजूहुम मिन क़रियतिकुम, इन लोगों को यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को अपनी बस्ती से निकाल बाहर करो। इन्नहुम उनासुन यतताहरून, ये ऐसे लोग हैं जो बड़े पाकबाज बनते हैं। यह तंज के तौर पर उन्होंने कहा कि ये अपनी बहुत पाकबाजी के दावेदार हैं और इसलिए हमें इस काम से मना करते हैं, तो इस वजह से हम इनको बाहर निकाल दो। यहाँ यतताहरून जो है वो बाब तताहुर बाब तफाउल से है, जिसके अंदर एक तकल्लुफ़ की ख़ासियत पाई जाती है, यानी बतकल्लुफ़ पाक बनते हैं। तो इसीलिए तर्जमे हमने ये कहा है कि उन्होंने कहा कि ये बड़े ऐसे लोग हैं कि जो बड़े पाकबाज बनते हैं। फअंजैना हु अहलहु, तो हमने फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को, और घर वालों के में बहुत लोग भी दाखिल हैं जो उनके साथ ईमान ले आए थे, उन सब को नजात दी, इल्ला इम्रअतह, सिवाय उनकी बीवी के, कि बीवी चूँकि ईमान नहीं लाई थी, और बल्कि उनको इस किस्म के कामों पर बढ़ावे दिया करती थी, इस वास्ते उसको भी अजाब का शिकार बनाया गया। कानत मिनल गाफिरीन, वो उन लोगों में से शामिल हो गई जो अजाब का निशाना बने थे। वह अमतरना अलैहिम मतरा, और हमने उन पर बारिश बरसाई, एक ख़ास बारिश। अब वो ख़ास बारिश की तफसील जो है कुरान करीम ने दूसरी जगह बयान फरमाई है, सूरह हूद के अंदर फरमाया कि फलम्मा जा अमरुना जालना आलिहा साफिलहा व अमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जील मंज़ूद, कि वो बारिश जो थी वो पानी की बारिश नहीं थी बल्कि पत्थर बरसाए गए थे। फंजूर कैफ़ काना आक़िबतुल मुजरिमीन, तो अब देख लो कि इन मुजरिमों का अंजाम कैसा हुआ, यानी कैसा हौलनाक। यह है जो मुख्तसर तज़किरा है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का, ज़्यादा तफसील इस वाक़े की इंशाअल्लाह सूरह हूद के अंदर आएगी।